मेरा पति है, ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी इसको, क्या करोगे तुम? हम मना कर रहे तो तुमने हमारी गाड़ी वहां कैसे लगाया? A few moments later. रही है पंकज, क्यों बदतमीजी कर रहे थे वीकेंड कर्फ्यू में आप? वाइफ की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, वाइफ मेरे को गुस्सा दिला रही थी बहुत ज्यादा, और मैंने थोड़ा मिसबिहेव कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने पुलिस कर्फ्यू में लोगों को पालन करा रही है, बहुत खतरनाक बीमारी है, पुलिस को भिकमंगा कहना और सब वो मैंने नहीं कहा, वो उसने कही है, उसकी गलती है और मैं पूरी तरीके से मान रहा हूँ, गलती है, मान रहे हैं गलती, गलती है ही। लोगों को मैसेज तो देना चाहेंगे ना कि जब पुलिस सड़क पर हो तो। मैंने उसको यही बोला था, दिल्ली गेट में जब लाइट में थे, हम लाइट पर खड़े थे, तो मैंने कहा कि मास्क लगा लो, पूरे रास्ते जितने भी बैरियर लगे थे मास्क नहीं लगा रही और ना मेरे को लगाने दे रही। दोस्तों जय हिंद, कल एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें एक महिला और उसका हस्बैंड पुलिस से काफी नोकझोंक कर रहे थे मास्क लगाए बिना, ऊपर से पुलिस को काफी कुछ कह रहे थे। उसके बाद पुलिस स्टेशन दरियागंज में हो गई FIR लॉन्च और उनको पहुंचा दिया गया हवालात। देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक। सर वो है ही जरूरी, मैं तो इसको बोलता ही हूँ जरूरी है सर, मास्क लगाना जरूरी है। मैंने, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पुलिस से ऐसे बोलने का, लेकिन पता है क्या, मुझे भी सिर्फ ये लगता है कि बस मुझे घुटन होती है और मेरे को सांस आने में प्रॉब्लम होती है, साइनस को कह लो या अस्थमा कह लो, तो मुझे इतना जरूर लगता है कि जब अपनी गाड़ी में हो, बंद हो, अपने ही हस्बैंड के साथ हो, तो थोड़ा बस लॉजिक की तरह से मैंने इसको देखा। ये मेरे दो तीन प्रॉब्लम है, एक तो मेरे को अस्थमा है, दूसरा मेरे को मेरे फेस पे एक्ने वल्गरीज हो गया था, तो उस पर अगर कोई जोर से मतलब रब करने वाली कोई भी चीज़ लगती है ना तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। लेकिन अब इतनी जो कानूनी प्रक्रिया में फंसे हैं आप लोग सर, कानूनी लगाना जरूरी है सर, मास्क तो ऐसी है कि बस अब आप पब्लिक प्लेस में हो तो लगा लो। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ, साइड में लगा रहा क्या? वो आगे कह रहा, तुम क्या कर रहा? वो आगे चुप कर रहा, तो साइड में लगाओ, एक और मामला आपको दिखाता हूँ, मुंबई का है ये। ये यंग लड़का जो पुलिस से पहले बहुत बुरी तरीके से उलझ रहा था, उसके बाद ये भी पहुंच गया है हवालात। तो भाई मास्क लगाओ यार, ये हमारी सेफ्टी के लिए, क्यों नहीं समझ रहे हम लोग यार, बात बात पे हम चौड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो, ऐसे लोगों के बारे में कमेंट करके बताइए। तुम नहीं निकाल सकते फोटो, ये तुमको लॉ मैं बताऊं क्या, कि तुम आ जाएगा मेरे को लॉ बात करता है। अरे लोग क्या करेगा, वर्दी पहन लिया मतलब क्या भाई हो गया तुम, बहुत बड़ा तुम गवर्नमेंट का सर्वेंट है, बोलो कंट्रोल, तुम काय का सर्वेंट है करो गवर्नमेंट का, साला तुम्हारे लिए अच्छा तो भंगी लोग है, ठीक मांग के तो साला चाहते इन लोग को हाथ में दे दिया तो फोटो निकाल दे बैठने का। भाई मास्क लगाओ, मास्क लगाओ ना भाई, मास्क लगाओ ना, नहीं लगाएगा मास्क। मैं जतिन प्रेमजी सत्रा मुलुंड का रहवासी, आज जो घटना बनी मुलुंड आरआरटी रोड पे, मैंने पुलिस के ट्रैफिक सर के साथ जो आज बदसलूकी की उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, और जो पुलिस मुंबई पुलिस आज जो फ्रंट लाइन में काम कर रही है मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, और जो भी सर को जितना भी जितना खराब लगा हो उनको मैं तहे दिल से फिर से माफी मांगता हूँ।